अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टाइम्स किचन। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी। इसके लिए हम खोपरा भून के ले लेंगे, पीस लेंगे, गाजर काट लेंगे, शिमला मिर्ची और बटाने ले लेंगे हम। गाजर, बटाने और शिमला मिर्ची को ले लेंगे हम। तो हम इसमें सेम की फली और बीन्स की फली ले लेंगे, एक एक मुट्ठी। अब हम इसमें आलू और बैंगन ले लेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना जितना होना आपका अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए आप। अब हम इसमें मेथी की भाजी डाल देंगे, दीवानी हंडे भी बोलते हैं इसको। अब ये सब चीज़ें हमें पानी में रख डाल देंगे हम। अब हम कुकर में तेल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें एक छोटे साइज की प्याज काट के डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम तेल में पका लेंगे प्याज को। ये देखिए, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। अदरक लहसुन डालने के बाद में हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मिर्ची डालने के बाद में फिर से हम मिला लेंगे। फ्लेम को लो पे रख ली मैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 साइज़ के, मीडियम साइज़ के टमाटर ली मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे हम, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। नमक डालने के बाद में फिर से अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम इसको टमाटे नरम होने तक। टमाटरों को अच्छे से भून लेना। अब हम इसमें जो तरकारी सब काट के रख लिए थे वो डाल देंगे। खोपरा ऑप्शनल है इसमें, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो मत डालिए, सिर्फ ऐसे भी बना दे सकते हैं आप। खोपरा डालने से ग्रेवी थोड़ा थिक होती, थोड़ी गाढ़ी होती। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना ढक्कन लगाए कुछ देर इसी तरह से हम भूनते जाएंगे। सीटी के लिए नहीं लगे, मैं ढक्कन से ढाप इस पर। अब जो हम खोपरा भून के पीस लिए थे वो पेस्ट डाल देंगे। अच्छा मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए खोपरे को, खोपरा डालने के बाद में भुनना।
ढक्कन ढाप के पका लेंगे हम। सीटी के लिए नहीं लगे मैं भी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से। पानी डालने के बाद में फिर से मिला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम ढक्कन लगा के एक से दो सीटी के लिए पका लेंगे। ये देखिए एक से दो सीटी हो गई, चेक कर लेंगे। सब गल गए अच्छे से। अब हम इसमें कोथमीर काट के डाल देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे आधा स्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया, रेडी हो गई ग्रेवी। मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी दीवानी हंडी की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।